हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशनेबल मोमिका। सो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे हो एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सेफ हो। तो आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो तो आप लोगों को टाइटल पढ़ के एंड थंबनेल देख के पता चल ही रहा है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। एक्चुअली कुछ दिन पहले मैं ये ब्यूटी ग्लेस गॉर्जियस मी का एक आई शेडो पहले रिसीव किया हूँ, बट पूरा टूटा रिसीव किया हूँ क्योंकि इसके अंदर 4 शेड था जो पूरा के पूरा ब्रोकन था। तो मैं फाइनली इसको फिक्स किया। सो मैं सोच रही थी कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी कि हाउ टू फिक्स ब्रोकन आई शेडो पैलेट और एनीथिंग मेकअप प्रोडक्ट। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो में जाने से पहले अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके साइड से एक छोटा सा बेल आइकन होगा, उससे भी जरूर हिट कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूंगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जाएंगे एंड सबसे पहले आप वीडियो देख सकेंगे। एंड जो लोग मुझे सोशल मीडिया में फॉलो करना चाहते हो तो उन लोगों के लिए मेरा जो इंस्टाग्राम एंड फेसबुक का जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आप चाहो तो डेफिनेटली चेक कर सकते हो। एंड ये गॉर्जियस मी का ब्यूटी ग्लेस का गॉर्जियस मी का आई शेडो पैलेट का जो एक प्रॉपर रिव्यू है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एंड इसके साथ एक ड्रामेटिक आई लुक भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत जल्दी। सो स्टे ट्यून्ड। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं ही यहाँ पे आप लोगों के साथ 3 ब्रोकन आई शेडो पैलेट शेयर कर 3 ब्रोकन आई शेडो शेयर कर रही हूँ। बट और एक भी टूटा हुआ था वो पहले मैं फिक्स कर चुकी हूँ। तो आप देख सकते हो ये ब्यूटी ग्लेस गॉर्जियस मी का आई शेडो पैलेट है। सो ये फिक्स करने के लिए लगेगा एक सिंपल सा टिश्यू पेपर, नॉर्मल सा ही, एंड लगेगा मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेकअप फिक्सर, कोई भी मेकअप फिक्सर, एंड लगेगा एक मेकअप ब्रश, आप कोई भी ब्रश ले सकते हो, एंड लगेगा सिंपल सा एक प्लास्टिक, एकदम बहुत ही सिंपल सा है। तो मैं वो ब्रश के मदद से जो टूटा हुआ आई शेडो पैलेट है सिर्फ मैं उसको ही प्रेस कर रही हूँ, ब्लेंड कर रही हूँ। पूरा करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो ब्रोकन था उसको ही मैं ब्लेंड कर रही हूँ। एंड टिश्यू पेपर की मदद से जो एक्स्ट्रा जो आई शेडो था वो मैं ट्रे में डाल रही हूँ, एज यू कैन सी। देन उसके बाद वो प्लास्टिक के मदद से पूरा मैं प्रेस कर रही हूँ ताकि जो आई शेडो है वो एकदम प्रॉपर ब्लेंड हो जाएगा। एज यू कैन सी प्रॉपर हो गया। अब मैं जो बाकी जो आई शेडो है उसको मैं कवर कर रही हूँ ताकि जो मेकअप फिक्सर है वो बाकी जो आई शेडो ट्रे है उसके अंदर ना जाए, इसलिए एज यू कैन सी मैं उसको कवर कर रही हूँ। सो कवर हो गया। अब मैं जो यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेकअप फिक्सर वो है NYB का, बहुत ही चीप एंड रिजनेबल प्राइस में एक मेकअप फिक्सर है। आप कोई भी मेकअप फिक्सर यूज़ कर सकते हो। एंड मैं थोड़ा सा दूर से स्प्रे कर रही हूँ। सो स्प्रे हो गया। उसके बाद जो टिश्यू पेपर है उसके मदद से मैं एक बार डैब डैब कर रही हूँ ताकि जो एक्स्ट्रा जो स्प्रे है वो सूख जाए प्रॉपर तरीके से, एंड देख सकते हो। एंड मैं फिर से दोबारा भी कर रही हूँ, एज यू कैन सी। सो हो गया फिक्स। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो पिगमेंटेशन है, देख रहे हो पिगमेंटेशन एकदम सेम ही रहेगा, कोई बात नहीं। एक बहुत ही सिंपल एक ट्रिक है, आप लोग ज़रूर ट्राई कर सकते हो। एंड ट्राई करके नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों का ऐसा ट्रिक कैसे, मतलब ये ट्रिक कैसा लगा। एंड ये गॉर्जियस मी का जो आई शेडो पैलेट है इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर रिव्यू भी शेयर करूँगी बहुत ही जल्दी, सो डोंट वरी। एंड आप लोग सिर्फ आई शेडो पैलेट नहीं, आप कोई भी ब्लश या ग्लिटर आई शेडो टूटा होगा तो, मतलब ब्रोकन था, तो आप ऐसा ये जो ट्रिक है इसको आप यूज़ कर सकते हो, सेम प्रोसेस होगा। सो हो गया। अब ये जो आई शेडो पैलेट है ये न्यू दिख रहा है तो बहुत खुश हो गई हूँ मैं। सो अब ज़रूर ट्राई करना। ओके सो बाय गाइस, बाय। सो आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा देन प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ। मिलती हूँ और एक एक्साइटिंग वीडियो के साथ। सो बाय।